पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये गाना उस समय पर भी हिट था और आज भी सभी की जुबान पर रहता है। और आखिर हो भी क्यों ना, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लाइफ में कुछ ऐसा करें कि उनका नाम रोशन हो सके। वहीं बच्चों की भी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो ऐसा करियर चूज करें जिससे कि वो कामयाबी की बुलंदियों को छू सके और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। आज का यूथ अपने करियर को लेके बहुत अवेयर है। स्टूडेंट्स ट्वेल्थ पास करते हैं और उसके बाद उन्हें बस एक यही चिंता सताती है कि आखिर वो कौन सा कोर्स करें, कहां से करें और कौन सा ऐसा कोर्स है जो इनके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल प्रूव हो। आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे यानी नेहा के साथ हमारे नए प्रोग्राम करियर मंत्रा में। करियर मंत्रा, जैसा कि हमारे प्रोग्राम के नाम में ही इसका मतलब छुपा है, जिसमें हम आपको देंगे करियर से रिलेटेड कुछ टिप्स। हम आपको अलग अलग कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसी के साथ उस कोर्स से रिलेटेड एक्सपर्ट्स व्यूज भी हम आपको देंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड की, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जो डे टू डे लाइफ में आपके और हमारे साथ जुड़ता जा रहा है, और वो है एनिमेशन। और इसके लिए आज मैं आ चुकी हूँ पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं एनिमेशन से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ इस वक्त हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के एनिमेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्पित सोलंकी जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि एनिमेशन किस तरह एक स्टूडेंट के करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अर्पित जी, हम बात कर रहे हैं एनिमेशन के बारे में, तो आप हमें बताएं कि एनिमेशन किस किस फील्ड में एप्लीकेबल होता है, किस किस फील्ड में एनिमेशन आगे अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग एनिमेशन की फील्ड की बात करें तो भारत में इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत ज़्यादा हाइट पर बढ़ रही हैं, और इस चीज़ को सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर ने नहीं, आज गवर्नमेंट सेक्टर ने भी समझा है। और इससे समझते हुए कर्नाटका को अगर हम लोग देखें, कर्नाटका ने अपनी AVGC पॉलिसी लॉन्च की है, दैट इज़ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स पॉलिसी, दे हैव लॉन्च्ड इन 2012। इसके बाद हैदराबाद में गेम सिटी बन रही है। गेम सिटी में जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं जो विजुअल इफेक्ट्स पे या एनिमेशन पे वर्क करती हैं, वो सारी कंपनीज उस गेम सिटी में होंगी और वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करेंगी। इसके अलावा अगर आप पिछले बजट की भी बात करते हैं, तो अरुण जेटली जी ने खुद अनाउंस किया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन एक नया बनेगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ IITs हैं इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए NLUs हैं, उसी तरीके से एक नेशनल इंस्टीट्यूट जा रहा है एनिमेशन की तरफ। सो एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि इन टेक्नोलॉजीज़ का आगे फ्यूचर क्या होना है और इनकी ज़रूरत क्या होनी है। अर्पित जी, अभी आपने बताया कि एनिमेशन भी अब काफ़ी बड़े स्केल पे अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप हमें ये बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए ये लोग जो एनिमेशन है किस किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे सकता है स्टूडेंट्स को। देखिए, हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि एनिमेशन मतलब मूवीज़, सिर्फ मूवीज़ में ही हमें करियर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ फील्ड शो करता हूँ। देखिए, आपका एनिमेशन एंटरटेनमेंट, जिस तरीके से आप लोग ये मूवीज़ देखे होंगे, आपने कुंग फू पांडा आपने मूवीज़ देखी है, या भारत में हम एक लिटिल कृष्णा सीरीज़ की बात करें वो आपने देखी है, ये सारी मूवीज़ में आपको एक करियर मिलता है। लेकिन इनके अलावा क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज? आज आप कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट निकाल कर देखिए, आप टीवी के सामने बैठ जाइए, लगातार 10 एडवर्टाइजमेंट देखिए, आप उसमें से एक भी ढूंढ के बताइए जिसमें एनिमेशन या इफेक्ट्स नहीं है। आप गेमिंग्स की बात कीजिए, आप अपने मोबाइल पर इतने गेम्स खेलते हैं, पर कोई भी गेम एनिमेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। आप बात करें चैनल पैकेजिंग्स की, आप जब न्यूज़ चैनल देखते हैं या आप कोई अदर चैनल देखते हैं, वहाँ पर जो भी लिखा हुआ आता है वो सारा एनिमेशन या इफेक्ट्स के थ्रू बनाया जाता है। देन वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा फील्ड है एनिमेशन के लोगों के लिए। कोई भी प्रोडक्ट बनता है, एक मोबाइल भी आप यूज़ करते हैं, वो मोबाइल बनने से पहले 3D उसकी डिज़ाइन होती है, वो किस तरीके से दिखेगा, उसका लेंथ, उसका हाइट क्या होगा, वो कितना मोटा होगा, उसको 3D रूप में बनाकर फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है या उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा हम देखें आर्किटेक्ट्स, आज आर्किटेक्ट की डिज़ाइन एक समझने के लिए नॉर्मल आदमी के लिए नहीं समझ में आता है उसे, वो एक टूट बिल्कुल फ्लैट डिज़ाइन होती है। सो आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, एनिमेटर्स को हायर करते हैं, वो एनिमेटर उस 2D डिज़ाइन को पूरा एक 3D में बनाता है, किस तरीके से आपका घर दिखेगा या एक मॉल है पूरा वो किस तरीके से दिखेगा, आप एंटर होंगे तो कैसा होगा, वो पूरा 3D में उसको बदल देता है। देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप बार बार एक बाइक बनाकर या एक कार बनाकर नहीं देख सकते हो, सो आपको उसे पूरा एक मॉडल बनाना होगा, उसका 3D मॉडल बनाकर यू कैन असेस कि वो किस तरीके से दिखेगी,
उसका फाइनल लुकआउट क्या होगा, एंड देन इट गोज टू द मैन्युफैक्चरिंग. इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ऑटोमोबाइल. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द मेडिकल फील्ड. कैसे? देखिए, आज अगर हम लोग ऑपरेशन सीखने की बात करें तो हर वक्त में बॉडीज अवेलेबल नहीं होती है. तो इन्हें डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि 3D सेक्शन में बॉडीज बनाई जाती हैं या बॉडी के पार्ट्स बनाए जाते हैं. देन इजीली आप उनको कट करके उनके अंदर के पार्ट्स को भी देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं. सो हेयर फॉर एजुकेशन थिंग्स ऑल्सो वी आर यूजिंग एनिमेशन. सो आई थिंक एवरी इंडस्ट्री, वेर एवर यू आर यूजिंग अ थिंग, वी आर यूजिंग एनिमेशन ऑल्सो. सर, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एज अ करियर एनिमेशन को ऑप्ट करना चाहिए, या स्टूडेंट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एनिमेशन ऑप्ट कर सकें? देखिए, कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारी सोसाइटी के हिसाब से हम बात करें कि बच्चे के मार्क्स कम आए तो उसे आर्ट्स का कोई फील्ड दिलवा दिया जाए या उसे आर्टिस्ट बना दिया जाए. ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे पास कई ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं जिनके 12th में 90% से ज़्यादा है और वो एनिमेशन कर रहे हैं. क्यों करते हैं वो एनिमेशन? कि जो इस फील्ड की तरफ जाना चाहता है उसका माइंड ऑलरेडी फिक्स होता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है. उसके माइंड में क्रिएटिविटी होती है. वो अगर एक कहीं सड़क पर चल रहा है और सड़क पर चलते हुए उसे कोई भी एक जानवर दिख गया, वो उस जानवर की भी कैरिकेचर बना सकता है. वो उसके बारे में भी सोच सकता है कि इसको मैं किस तरीके से चार तरीके अलग अलग तरीके से दिखा सकता हूँ. सो दिस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी. हाउ आई कैन मॉडिफाई द थिंग्स, हाउ आई कैन चेंज द वर्ल्ड. मुझे एक जिंदा ही चीज़ है, उसे अलग तरीके से दिखाना है और उसको एक अलग वे में लेकर जाना है. जैसे एक घड़ी है, घड़ी हम लोग नॉर्मली किसी और तरीके से देखते हैं और वहाँ हम किसी और तरीके से वहाँ दिखाने वाले हैं. सो ये क्रिएटिविटी होनी बहुत जरूरी है एक बच्चे में. सर, कोई भी स्टूडेंट है जो एनिमेशन को ऑप्ट करना चाहता है तो वो कौन से पॉइंट्स हैं कि वो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उन पॉइंट्स को कंसीडर कर सके? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई बार बच्चे कुछ चीज़ों से लेकर भ्रमित हो जाते हैं. कैसे? कि अगर बच्चा एनिमेशन की तरफ जा रहा है उसका पहले दिन ही, क्योंकि बच्चे का माइंड होता है और वो पहले दिन से ये सोचता है कि मैं जाते ही मूवी बनाने बैठ जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता है. हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो करिकुलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका बेसिक्स क्या है. ये नहीं है कि सिर्फ जाते ही हम लोग एक सॉफ्टवेयर पर बैठ गए और पहले दिन से मूवी बनाएंगे. ऐसा नहीं होता है. हमें करिकुलम देखना होगा कि क्या वो मुझे स्टोरी बोर्डिंग सिखा रहा है, मुझे स्क्रिप्ट्स बनाना सिखा रहा है, क्या मुझे वो कैरेक्टर की डिज़ाइन करना सिखा रहा है. जब ये सारी चीज़ें वो सिखाएगा तभी तो मैं एक सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकूँगा. अदरवाइज सिर्फ सीधा मैं जाकर पहले दिन ही सॉफ्टवेयर पे बैठ जाऊँगा और आज मुझे यही नहीं पता है कि मुझे बनाना क्या है. सो दैट कैन नॉट बी द वे ऑफ टीचिंग एनिमेशन. सो जस्ट गो थ्रू द करिकुलम. द सेकेंड पार्ट इज द फैकल्टीज. आपके फैकल्टीज किस फील्ड से हैं, क्या वो डेवलपमेंट फील्ड से हैं, क्या उन्होंने पहले इंडस्ट्री में वर्क किया है. बिकॉज जो इंडस्ट्री में वर्क करके आया हुआ है वही जानता है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से होती है. तो हमें फैकल्टीज भी वहाँ पर देखना होगा. तीसरा एक एस्पेक्ट हमें देखना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज एनिमेशन एक ऐसा फील्ड है जिसे बहुत हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ के पीसीज अलग तरीके के होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, उनके सॉफ्टवेयर बहुत अलग होते हैं और उनके सॉफ्टवेयर बहुत महंगे भी होते हैं. तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकता है. एनिमेशन एक लैब में नहीं चल सकता है. एनिमेशन चलाने के लिए आपको कई रूम्स की ज़रूरत होती है, कई ज़्यादा पीसीज की ज़रूरत होती है और कई इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स. जैसे आपको बहुत सारे कैमरास चाहिए, आपको स्टिल कैमरास चाहिए, वीडियो कैमरास चाहिए, आपको ग्रीन रूम चाहिए, आपको डार्क रूम चाहिए. ये सारे रूम्स वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं है ये भी हमें देखना होता है. कैसा हो करियर का ग्राफ, क्वेरी हायर एजुकेशन की हो या फिर डिग्रीज की, हर सब्जेक्ट से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे प्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एडमिशन, इंस्टीट्यूशंस आदि पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय. अपने करियर को दीजिए नई ऊंचाइयां करियर मंत्रा के साथ. करियर मंत्रा ओनली ऑन HBTV हिट्स. ब्रॉट टू यू बाय पूर्णिमा यूनिवर्सिटी. 32 acres sprawling campus, wide range of courses to choose, extra academic activities. Your dream, our goal. Purnima University. Biyani Group of Colleges. आइए अपने स्कूल से कॉलेज जाने वाले बच्चों को ठीक से एजुकेट करें, ट्रेंड करें, प्रॉपर काउंसलिंग दें. हम अपनी टीम के साथ आपका इंतजार करेंगे. Biyani Group of Colleges. अग्रवाल PG कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध BA, BSc, BCom, BCA और MSc सब्जेक्ट्स. अग्रसेन मार्ग, आगरा रोड, सांगनेरी गेट के पास, जयपुर.
आज हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट्स में डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो सर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, आज मार्केट में एनिमेशन फील्ड में सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा और डिग्री, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? आप एक सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरा, कितना टाइम लगता है उस सर्टिफिकेट को परस्यू करने में, क्योंकि एनिमेशन के अगर मैं वापस एक करिकुलम की बात करूँ तो एनिमेशन का करिकुलम बहुत वास्ट होता है। दूसरा, इसका काम करने में टाइम बहुत लगता है। अब आप ये देखिए कि अगर आप एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो क्या आप वहाँ पर टाइम दे पा रहे हैं? ये तो नहीं है कि आपकी क्लासेस वहाँ पर 2 घंटे पर डे हो रही है। हर दिन 2 घंटे में कभी कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एक 10 मिनट की एनिमेशन मूवी बनाने की बात करूँ तो उसमें 6 से 7 महीना लग जाता है। सो यू नीड टाइम। इसलिए हम लोगों को देखना चाहिए डिग्री की तरफ। दूसरा, डिग्री की तरफ जाने का एक कारण ये भी है कि आज गवर्नमेंट्स इसमें एक्शंस ले रही है और बहुत जल्दी अगले आने वाले 5 या 6 सालों में गवर्नमेंट में भी इसकी जॉब्स निकलेंगी। और जिस तरीके से हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है कि वो सिर्फ एक डिग्री की वैलिडिटी पे ही बात करता है। दूसरा, अगर आप एक डिग्री में जाते हैं, आप एक कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ आप टाइम दे पाते हैं, आप 6 या 7 घंटे रोज के अपने उस सब्जेक्ट को दे पाते हैं। फिर अगर 6 या 7 घंटे हैं तो आपको जो करिकुलम डिलीवर करने वाला है उसके पास भी टाइम है और वो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पर बता सकता है। अगर कोई डिग्री की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, वी आर ऑफरिंग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। सो दिस डिग्री इज एफिलिएटेड बाय यूजीसी, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज एफिलिएटेड बाय यूजीसी। सो जो आपको डिग्री मिलती है इसकी वैलिडिटी है, दिस इज वैलिड ऑल ओवर द इंडिया। ओके, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भी वो डिग्री वैलिड होगी। फिर आप क्लासरूम की स्टडी की बात करते हैं तो इट इज़ 6 आवर्स और 7 आवर्स पर डे। सो बच्चा उसको पूरे तरीके से टाइम भी दे पाता है। और अगर वो एक सर्टिफिकेट होता तो 6 महीने में सीख के ख़त्म कर देता, 6 महीने में वो एक सॉफ्टवेयर सीखता। और जैसा अभी हमने पहले बात की बेसिक्स की बात की कि बेसिक्स उसके क्लियर नहीं हो पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के एनिमेशन के फैकल्टी मोहित रंजन जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं यहाँ के एनिमेशन के डिग्री कोर्स के बारे में। सर, आप मुझे बताइए कि जो आप एनिमेशन में डिग्री कोर्स यहाँ स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाते हैं तो इसमें आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? मेनली मैम, अपन फर्स्ट ईयर में 2D पे ध्यान देते हैं, 2D सॉफ्टवेयर पे, 2D कैसे स्केचेस करते हैं, पेपर वर्क कैसे करते हैं। फिर अपन सेकेंड ईयर में 3D पे फोकस करते हैं, 3D में आता है माया सॉफ्टवेयर, मैक्स है। फिर लास्ट थर्ड सेमेस्टर में अपन थर्ड ईयर में यूज़ करते हैं अपन VFX पे। VFX एक बहुत बड़ा वास्ट अलग ही प्रोजेक्ट है जिसमें अपन मेनली आफ्टर इफेक्ट हुआ ये सब सॉफ्टवेयर से अपन यूज़ करते हैं। और रहा सवाल 2D का, 2D के लिए आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 2D के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फोटोशॉप है, फ्लैश है, इलस्ट्रेटर है, जो कि अपन अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। जैसे आजकल मोबाइल्स में UI डिज़ाइंस होता है उसके लिए करते हैं, स्टूडियोज़ में 2D कैरेक्टर्स बन रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं अपन, फोटोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें अपन काम कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैं वो 2D सॉफ्टवेयर में आते हैं। और रहा सवाल 3D में अपन माया एक सॉफ्टवेयर है, माया पे काम करते हैं। और थर्ड ईयर में अपन VFX पे काम करते हैं जिसमें मेनली अपना आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर आता है। जब आप स्टूडेंट्स को ये एनिमेशन का कोर्स करवाते हैं तो उसके अंदर आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहती है और किस तरीके से आप एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं फील्ड के लिए? मैम, अगर मैं बोलूँ 2D एनिमेशन के लिए, तो 2D एनिमेशन से पहले एक प्री प्रोडक्शन पार्ट होता है। प्रोडक्शन में 2D एनिमेशन आता है, लेकिन प्री प्रोडक्शन जो होता है वो कम्प्लीटली पेपर वर्क होता है। जैसा कि आप पीछे एक एग्जांपल देख सकते हो, इसको एक स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। हर एक पैनल पे पर्टिकुलर एक एनिमेशन का पोजेस बना हुआ है जिसको अपन पर्टिकुलर शॉर्ट नंबर को अपन एनिमेशन करते हैं फ्लैश में या जो भी 2D सॉफ्टवेयर होता है उसमें पर्टिकुलर वो एनिमेशन शॉर्ट करते हैं अपन बनाते हैं, फिर एट लास्ट सारे शॉर्ट को कंबाइन करके एक मूवी पे डेवलप करते हैं, एक मूवी कंप्लीट करते हैं। तो आइए आप देखते हैं स्टूडेंट्स के ही तैयार किए हुए कुछ स्टोरी बोर्ड्स और किस तरीके से उन्होंने उसे एनिमेशन में कन्वर्ट किया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा,
अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। सर, पूर्णिमा कॉलेज इज नॉन फॉर इट्स क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, तो आप यहाँ पे जो किस तरीके से अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए क्वालिटी मेंटेन करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और एनिमेशन का एक ऐसा फील्ड है जो कि अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखें तो आज अभी नॉर्थ में इतना बड़ा ये फील्ड डेवलप नहीं हुआ, इसलिए हमने इसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज हायर की। हम लोगों ने बैंगलोर से कंपनी है आई नर्चर एजुकेशन, उनका वर्क ही है स्पेशली इन फील्ड्स में वर्क करना, तो हम लोग उनको लेकर आए हैं। वो यहाँ पर अपना सिलेबस डेवलप करते हैं, फैकल्टीज़ यहाँ पर डेवलप करते हैं और अपने फैकल्टीज़ को यहाँ डिप्लॉय करते हैं ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। अगर मैं उनके हेड की बात करता हूँ, हेड ऑफ एनिमेशन डिपार्टमेंट, सो मिस्टर दिनेश कुलकर्णी हैं। दिनेश कुलकर्णी वो जी का अगर मैं प्रोफाइल ही देखता हूँ, ही हैज़ वर्कड इन हॉलीवुड, रेसिडेंट इविल जैसी मूवी पे वो वर्क कर चुके हैं। अगर बॉलीवुड में हम बात करते हैं, ओ माई गॉड में विजुअल इफेक्ट्स उनका बनाया हुआ है। सो प्रोफेशनल लोग यहाँ पर आकर पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल लोगों के गाइडेंस में ही हमारा सिलेबस बनता है और वो सिलेबस फिर हम बच्चों तक डिलीवर करते हैं। सर, एनिमेशन की फील्ड में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को क्या पैकेजेस मिल जाते हैं और पूर्णिमा कॉलेज स्पेशली एनिमेशन में अपने स्टूडेंट्स के लिए आगे क्या करने जा रहा है? देखिए, एनिमेशन में अगर हम लोग जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं। एक, बच्चा किसी के यहाँ पर जाकर जॉब करे, दूसरा वो फ्रीलांस वर्क भी कर सकता है। फ्रीलांस वर्क में वो कहीं से अपने प्रोजेक्ट्स लेता है और प्रोजेक्ट्स पूरा करके वहाँ पर डिप्लॉय करता है और फिर उसको उसका जो भी पेमेंट्स बनता है वो उसके पास आ जाता है। अगर मैं जॉब के बारे में बात करता हूँ तो किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं, बच्चा फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक बहुत सारी चीज़ें बनाता है। वो फर्स्ट ईयर में स्केचेस बनाता है, डिजिटल पेंटिंग्स बनाता है, फिर आगे जाके मूवीज़ 2D और 3D मूवीज़ बनाता है, इफेक्ट्स बनाता है। हमेशा हम लोग उस काम को एक जगह पर कलेक्ट करके रखते हैं, फिर इस चीज़ को कलेक्शन जो हम लोग करते हैं इसे हम कहते हैं शो रील। ये शो रील कंपनीज़ को भेजी जाती है। कंपनीज एनिमेशन की कंपनीज का जो रिक्रूटमेंट का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। वो इंटरव्यू से ही नहीं रिक्रूट करती है, वो शोरील देखकर रिक्रूट करती है। सो ये शोरील हम कंपनीज को भेजते हैं, कंपनीज वर्क देखती है, क्वालिटी देखती है, फिर वहाँ से उस बच्चे को सेलेक्ट करती है कि वो एनिमेशन के किस पार्ट के लिए अच्छा है। वो मॉडलिंग के लिए अच्छा है, वो करेक्टर्स के लिए अच्छा है, वो रिगिंग या टेक्सचरिंग के लिए अच्छा है, और उस बेस पर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। ये काम, इसके अलावा हम लोग अगर सोशल प्लेटफॉर्म की भी बात करें, बच्चों के लिए हम लोग उनकी जो बनाई हुई मूवीज़ हैं उन्हें अदर फिल्म फेस्टिवल्स में भेजते हैं, कहीं कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ अपने कॉम्पिटिशन्स कराती है, वहाँ भी हम भेजते हैं ताकि बच्चों का सोशल एक चीज़ें बनी रहे, उनकी प्लेटफॉर्म मिल सके और वो अपने आप को कहीं पर दिखा सकें कि मैंने ये वर्क किया है। और कई बार ऐसा होता है कि उनके सिर्फ इस वर्क के कारण ही उन्हें कई ऑफर्स मिल जाते हैं। सर, आप लोगों के क्या प्लान्स हैं अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक प्रोफेशनल सर्विस हायर कर रखी है अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट के लिए, उन्हीं कंपनी की एक प्लेसमेंट सेल अलग से वर्क कर रही है इन बच्चों के प्लेसमेंट के लिए। वो बेंगलोर बेस्ड एक प्लेसमेंट सेल है जहाँ पर हमारी कंपनी की हेड ऑफिस है। वो लोग हैदराबाद या फिर बेंगलोर या पुणे, जहाँ पर ज़्यादातर एनिमेशन की कंपनीज वर्क करती है, वहाँ पर उनके टच में रहते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको शोरील के बारे में बताया, तो जब हम शोरील कंपनीज को भेजते हैं
शोरील कंपनीज को भेजने के बाद हम कंपनीज को यहाँ पर बुलाते हैं। कंपनीज यहाँ पर आकर भी बच्चों का इंटरव्यूज लेती हैं और बच्चों को यहाँ से ऑफर्स मिलते हैं। और शोरील को आखिरी सेमेस्टर में नहीं भेजने की बजाय हमने एक नया तरीका निकाला है कि हम बच्चों के एक लास्ट सेमेस्टर आने से पहले ही एक शोरील भेज देते हैं, जिससे कुछ बच्चों का अगर क्वालिटी वर्क होता है तो उन्हें इंटर्नशिप मिल जाती है। इंटर्नशिप पे बच्चा वहाँ उस कंपनी में जाकर, मतलब अपना स्टडी टाइम में ही बच्चा उस कंपनी में जाकर कुछ 6 महीने के लिए वर्क करता है, और अगर कंपनी को वो वर्क पसंद आता है, बच्चे को भी उस कंपनी का वर्क कल्चर पसंद आता है, तो कंपनी उसे वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है। करियर मंत्रा के आज के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया एनिमेशन के बारे में, जिसका स्कोप धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि ये न सिर्फ मूवीज में बल्कि मीडिया, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, एजुकेशन सभी जगह अप्लाई होता है। तो अगर आप में भी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एक एनिमेटर के लिए ज़रूरी है, तो एनिमेशन आपके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे करियर की एक नई राह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। University. 32 acres, sprawling campus, wide range of courses to choose, extra academic activities. Your dream, our goal. Purnima University. Biyani Group of Colleges. आइए अपने स्कूल से कॉलेज जाने वाले बच्चों को ठीक से एजुकेट करें, ट्रेंड करें, प्रॉपर काउंसलिंग दें। हम अपनी टीम के साथ आपका इंतजार करेंगे। Biyani Group of Colleges. अग्रवाल PG College, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध BA, BSc, BCom, BCA और MSc subjects, अग्रसेन मार्ग, आगरा रोड, सांगानेरी गेट के पास, जयपुर।